नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुक्र सैनी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। लोकसभा चुनावों के बीच आम आदमी की जेब पर बड़ा झटका लगा है। दरअसल प्राइवेट जो तेल कंपनियां हैं उन्होंने रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। अब सब्सिडी वाला जो सिलेंडर है वो वहाँ उसके जो दाम है वो 6 रुपये तक बढ़ गए हैं, तो वहीं गैस सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम 22 रुपये तक की बढ़ोतरी उसमें की गई है। और ये जो कीमतें हैं ये आज यानी 1 मई से ही लागू हो जाएगी। आपको बता दें, इससे पहले 1 अप्रैल को LPG सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे, लेकिन एक बार फिर से ठीक 1 महीना बाद एक बार फिर से गैस जो रसोई गैस है उसके दाम बढ़ा दिए गए हैं। और अब अगर बात दिल्ली में की जाए तो दिल्ली में उपभोक्ताओं को अब एक गैस सिलेंडर खरीदने के लिए 502 रुपये देने होंगे। तो वहीं बात अगर कमर्शियल सिलेंडर की जाए तो तेल कंपनियां कमर्शियल सिलेंडर को 730 रुपये में बेचती अब नजर आएगी। हालांकि इससे पहले कीमतें कम थी, लेकिन जिस तरीके से सब्सिडी सिलेंडर पर 6 रुपये बढ़ाए गए हैं और वहीं गैस सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 22 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है, उसको लेकर अब जाहिर बात है कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे तो लोगों की जेब पर भी असर होगा, क्योंकि रसोई गैस लगातार महंगी हो रही है, लगातार दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ जो दाम बढ़ाए गए हैं ये सिर्फ 1 महीने के लिए बढ़ाए गए हैं, और उसके बाद देखना होगा कि आखिर कीमतें बढ़ती हैं या घटती हैं, लेकिन फिलहाल जो ये कीमत है ये 1 महीने तक लागू रहेगी। वहीं आपको बता दें, इससे पहले जो रसोई गैस पर 1 अप्रैल को दाम बढ़ाए गए थे उसमें सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 5 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई थी, तो वहीं गैस सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 25 रुपये तक दाम बढ़ाए गए थे। और एक बार फिर से आम आदमी की जेब पर बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि लगातार रसोई गैस महंगी हो रही है। वहीं अगर बात सब्सिडी वाले सिलेंडर की जाए तो उसके तहत पूरे साल में 12 सिलेंडर मिलते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपको सिलेंडर लेने हैं तो वो महंगे मिलेंगे और गैस सब्सिडी वाले सिलेंडर लेने पड़ते हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पर भारी असर पड़ता दिखाई दे रहा है। और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।